22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को ऐलान किया कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप अपने मंदिरों में जाए। उसी 22 जनवरी के दिन राहुल गांधी जी को पवित्र बोर्डुवा स्थान से जाने के लिए रोका गया। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में, के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? श्री गौरव गोगोई जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज रूल 193 के अंतर्गत श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के इस चर्चे पे, महत्वपूर्ण चर्चे पे भाग लेने के लिए अपने पार्टी की तरफ से आपके सामने अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये देश भक्ति का देश है, ये देश आस्था का देश है। इस देश में हम सद्भावना से अपने विविधता को बांधते हैं, सेवा भाव से समाज को सांचते हैं। ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है। भारतवासी धार्मिक हैं, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? धर्म संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, स्वभाव में करुणा धारण करना, न्याय में विश्वास रखना और समाज में समानता स्थापित करना। जीवन के मायाजाल को पार करने में भगवान या देवी माँ का दर्शन हमें सत्य और इंसानियत का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे देश के नागरिक भगवान श्री राम के दर्शन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण हमारे कण कण में है। चाहे दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के, या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। सर, मैं कवि हरिओम पवार का, उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं जगवालो, राम हुआ है नाम लोहितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। सर, यही बातें सत्य, सेवा, न्याय, करुणा, इस ख्वाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत खूबी से भारत के इस संविधान में बांधा है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग, संविधान लाना हिंदी में, इंडियन, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया, तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया। वो अंतिम लक्ष्य क्या है?
उनके ही शब्दों में राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा क्या है उनके शब्दों में, जहां सभी खुश हैं और कोई दुखी नहीं, ये उनकी परिभाषा है। और इस परिभाषा को उन्होंने अनेक बार इसका विवरण भी किया, प्रियम्बल। गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे, उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित, वे लोग उनके सेना में थे। उन्होंने, भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित को ताकत दी, आत्मविश्वास दिया, और तब जाके रावण के अहंकार को हराया गया। इसीलिए हमें मंथन करना चाहिए कि क्या सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश हैं? यही तो राम राज्य की परिभाषा थी, यही तो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिभाषा थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में, के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो स्थान है, केंद्र सरकारों में जो स्थान है, वे स्थान से वे वंचित हैं। रामायण में मां सीता का भी उल्लेख है। मां सीता ने कभी भी अपनी संयम और शक्ति को कम नहीं होने दिया। लेकिन क्या यही अनुभूति उस उन्नाव की दलित बेटी को प्राप्त हुई, जब वो बेसहारा थी, जब वो अकेली थी? क्या ये अनुभूति हमारे महिला खिलाड़ियों को हुई जब वे अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे थे? आज हमारी ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अनुसूचित तबकों की स्त्रियों को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। बेबसी, चारों तरफ आज हम बेबसी देखते हैं। इस लोकसभा की चर्चा के बाद जब ये सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो युवाओं के बीच में उनको बेबसी दिखाई देगी। आप सभी के पास आपके क्षेत्र के युवाओं आएंगे, नौकरी के गुहार लगाएंगे, रोजगार की गुहार लगाएंगे, आपके पास आएंगे इंटरव्यू के वो एप्लीकेशन लेके, आपके पास वो आएंगे टेट की परीक्षा की पार करने के वो मार्कशीट को लेके, वो आपसे कहेंगे, आदरणीय सांसद महोदय, मैंने परीक्षा पार कर ली, आदरणीय सांसद महोदय, मैं बीए पास हूँ, आदरणीय सांसद महोदय, मैं बेरोजगार हूँ। और आज ये बेरोजगारी के कारण बेबस भारतीय युवा आज नशे के रास्ते में चल पड़ा है, आज अपराध के रास्ते में चल पड़ा है। आज वो जहां भी जाता है भेदभाव महसूस करता है। आज वो बेबसी में कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। ये है असलियत। ये उत्तर पूर्वांचल की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो,
पंजाब की हो या गोवा की हो या केरल की हो या गुजरात की हो, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए सर, जब हम हमारा दल इतने सालों से समाज सेवा कर रहा है, हम सच्चाई से वाकिफ है, बहुत कुछ हमने किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब गांधी जी के राम राज्य की मार्ग पर चलती है तो हम न्याय की मार्ग पर चलते हैं। आज भी उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के ऊपर जो राय दिया है उसको हम स्वागत करते हैं। हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इसमें जो पश्चिमी परिभाषा है सेक्युलरिज्म का, उस परिभाषा से हम अपने आप को भिन्न रखते हैं। अगर आप वो कौन संविधान के डिबेट देखें, जब सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जब संविधान में जोड़ा गया था, तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सांसदों ने यही कहा था कि हम पश्चिमी परिभाषा से हम परे रखते हैं। भारत एक धार्मिक देश है, भारत में बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हैं। केवल एक ग्रंथ नहीं, ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि 140 करोड़ के लोगों के विभिन्न भाषा और आस्था को अखंडता के साथ, प्यार और सद्भावना के साथ बांधती है। मैं नानक के कुछ शब्द कहना चाहूंगा। नानक साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से राम जग उपजय, एक नूर से सब जग उपजय, कौन भले को मंदे। तो सर, हम सभी को बांधना चाहते हैं और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूँगा कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें। आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे, रावण को उसके अहंकार ने ही मारा, आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है, आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो, आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ थे, 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ हैं। राम हमारे मन में है। सर, बहुत ये भाव, इतनी कटुता क्यों है सर? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है, ऐसा क्यों? पढ़ाई नहीं है राम को, पढ़ाई नहीं कभी। कांग्रेस क्रोध क्यों? राम सबका है। कांग्रेस हमेशा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा
सेवा भाव से गांधी जी के मूल्यों से प्रेरित होते हुए डॉक्टर अंबेडकर से पाठ सीखते हुए भारत के नागरिकों को अधिकार देने का काम किया है। हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही सभी को वोट का अधिकार मिले, यह अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। स्वशासन का अधिकार, पंचायत का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। अन्न सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। पहचान का अधिकार आधार कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। उच्च शिक्षा के मंदिर IIT IIM कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। पीड़ित के मंदिर, मरीज के मंदिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो मरीज का मंदिर भी कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया। आज सर, ये सेवा भाव से, इस सेवा भाव से हम हमेशा काम करते गए और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि इस सेवा भाव से जो भी कुछ समय आपके पास बचा रहा है उस सेवा भाव से ही काम करें। सर, इस सेवा भाव को हमने हमेशा याद रखा और इसीलिए मैं हमारे आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जी, उन्होंने 2013-14 में अपने भाषण में हमने 10 साल कैसे सेवा की, भक्ति कैसे हमने प्रकाशित की, राजधर्म कैसे पालन किया, उसी सेवा भाव के कुछ पंक्तियां उनके भाषण से मैं कहना चाहूंगा। UPA's रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ, 10 years ago, we produced 213 million tons of food grains. Today, in 2014, we produced 263 million tons of food grains. 10 years ago, there were only 51,511 kilometers of rural roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Today, we have 3,89,578 kilometers. 10 years ago, in 2004, the central government expenditure on education was 10,145 crore. This year in 2014, we allocated 79,451 crores. 10 years ago, the central government spent 7,248 crore on health. This year in 2014, we will spend 36,322 crores. 10 years ago, the minorities had 14,15,000 bank accounts. As at the end of March 2013, they had 43,52,000 accounts, and the volume of lending had soared from 4,000 crore to 66,500 crore. 10 years ago, only 9,971,182 women self-help groups had been credited. At the end of December 2013, 41,16,000 women SHGs have been provided credit. 10 years ago, only a few thousand students got education loans. At the end of December 2013, 25,70,254 student loan accounts have been sanctioned. So this is our work. At the end of 2013, at the end of the UPA, the direct benefit transfer scheme would be rolled out. The scheme is a year old and money is being transferred to beneficiaries under 27 identified schemes, including the National Social Assistance Program. तो इस सेवा भाव से हमने अधिकारों, विभिन्न अधिकारों का हमने स्थापना की। MGNREGA का, रोजगार का अधिकार का स्थापन हमने किया और वैसे ही पहचान और DBT की जो ढांचा है, इस ढांचा को भी हमने तैयार किया। आज भी इस सेवा भाव से आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोल रहे हैं। कितनी दुख की बात है सर, कितनी दुख की बात है सर, कि जब 22 जनवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में थे, तो उसी दिन आदरणीय राहुल गांधी जी असम के गुरु
महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के स्थान मंदिर में जाना चाहते थे। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के प्रति अपनी भक्ति जताना चाहते थे। जिस दिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को ऐलान किया कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप अपने मंदिरों में जाए, उसी 22 जनवरी के दिन राहुल गांधी जी को पवित्र बोर्डुवा स्थान से जाने के लिए रोका गया। क्यों क्यों रोका गया? अगर असम के मुख्यमंत्री की अगर बात हम सुने तो असम के मुख्यमंत्री ने प्रेस के सामने मीडिया को संबोधित करते हुए 22 जनवरी से कुछ दिन पहले इन्होंने यही कहा। मैं उनके शब्द मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 22 जनवरी को राहुल गांधी जी ने ये इच्छा प्रकट की कि वो सुबह बोर्डुवा थान जाना चाहते हैं, लेकिन जिस समय वो जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उपस्थित होंगे। ये बात उचित नहीं है कि जिस समय टीवी के चैनल पे प्रधान मोदी का चित्र आए उसी समय राहुल गांधी जी का भी चित्र आए। ये बात गलत है। ये है आपकी धर्म के प्रति आस्था। ये मीडिया पे कहा है, ये आपको मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। आपको तो मुझे पता है सर, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हमेशा जब भी अपनी बात रखता हूं तो सच्चाई से रखता हूं, ईमानदारी से रखता हूं। मुझे अपने बात कहते हुए कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं भी जो कहता हूं वो सच्ची वाणी से कहता हूं। तो बस मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या क्या मंदिर जाना असम के मुख्यमंत्री के अगर शब्दों पे विश्वास रखे तो मंदिर क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा क्या एक टीआरपी बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा में कड़े बहुत से लोग थे, उनकी श्रद्धा है। उस समय राहुल गांधी जी भी असम में थे, उनके श्रद्धा में वहां की सरकार ने बाधा क्यों दी? हमें अपने संस्कारों पे, हमें अपने कर्तव्य पे चलने पर बाधा क्यों दे रहा है सर? जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है वहां गैर हिंदू कैसे जा सकता है? ये मक्का जाए सर, ये पूरी जाकर दिखा दे हमें। जहां सर सर मैं दोबारा आज याद करा देता हूं कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं, हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं, लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है, वो ये संविधान है। ये संविधान ये शासन का एक ही ग्रंथ है। धर्म के अनेक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म में अनेक वेद हैं, हिंदू धर्म में अनेक उपनिषद है, लेकिन भारत के लोगों ने शासन के लिए एक ही ग्रंथ को चुना है, वो इस संविधान को है। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। तो हमारे लिए तो ये ग्रंथ एक ही है। इस ग्रंथ में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैं दोबारा ये पढ़ना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी आपके शब्दों से लगता है कि आप ये संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल जो निर्देश थे वो ही भूल गए। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि, क्योंकि आप, आपके अंदर इतनी घृणा है तो क्योंकि आप पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो ये शब्द आपके हृदय के अंदर नहीं गया होगा। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता, प्रतिष्ठा और अवसर, इसी के प्रति हम अपनी निष्ठा और दायित्व हम स्वीकार करते हुए आज इस भाषण, जो हमारे राम मंदिर और रामलला के स्थापना पे जो आपने 193 का ये जो चर्चा लिया, इसी चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।